तो हाँ बस एक स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में, जहां मैं आपको बताऊंगा आप क्यूआर कोड खुद से कैसे बना सकते हो। बहुत सारे वेबसाइट है जिससे आप अपना क्यूआर कोड बना सकते हो, सपोज जिंग क्यूआर कोड जनरेटर और क्यूआर कोड मॉन्की। जब आप गूगल पे सर्च करोगे क्यूआर कोड जनरेटर तो टॉप पे ये वेबसाइट आएगा qrcodegenerator.com, ऐसा करके कुछ। तो मैं आज आपको इसी का ट्यूटोरियल बताने वाला हूँ। सो जैसा मैं प्रोसेस करूँगा उसी को सेम आप अपने फ़ोन पे कर सकते हो, मैं अपने पीसी स्क्रीन पे आपको करके दिखाने वाला हूँ। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम मैं चलता हूँ अपने पीसी स्क्रीन पे। बता चुका हूँ मैं अपने आप पीसी स्क्रीन पे, आप यहाँ नाम देख रहे होगे क्यूआर कोड जनरेटर, मतलब आप गूगल पे सर्च करोगे सबसे पहले आएगा। सिंपली आपको इस पे लॉग इन या फिर साइन इन करना है, तो मैं लॉग इन कर लेता हूँ क्योंकि मेरे इस पे अकाउंट बना हुआ है। और आप लोग यहाँ पर देख सकते हो गए क्रिएट क्यूआर कोड साइड में, और भी बहुत सारे ऑप्शंस है। मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ क्यूआर कोड मतलब क्रिएट क्यूआर कोड पर टैप करना है, और सिंपली आप लोग देख सकते हो गए यहाँ पर वेबसाइट के लिए, इंस्टाग्राम के लिए या फिर बहुत कुछ के लिए आप यहाँ पर बना सकते हो। मैं सिंपली वेबसाइट टैप करता हूँ और अपने यूट्यूब चैनल का मैं लिंक बना करके यहाँ पर देखता हूँ कि क्यूआर कोड उसका बनता है या नहीं। तो सिंपली नेक्स्ट पर टैप करना है और यहाँ पे लिंक, तो मैं चलिए मैं यूट्यूब चैनल से लिंक ऐड कर लेता हूँ, कॉपी एंड पेस्ट डन। ओके, और यहाँ नेक्स्ट पे टैप करना है और सिंपली आप देख सकते हो कि क्यूआर कोड बन के रेडी हो चुका है। आप इसे सिंपली डाउनलोड भी कर सकते हो नीचे से। यहाँ पे बहुत सारे टाइप के आप क्यूआर जनरेट कर सकते हो। साइड में आप लोग देख सकते हो यहाँ पे लोगोज वगैरह स्कैन मी करके है और भी बहुत सारे है, तो आप कोई भी यूज़ कर सकते हो। तो वहाँ आप स्कैन करके देखना और मुझे भी बताना कि स्कैन करने पे आपका आया या नहीं लिंक या टेक्स्ट जो भी आपने बनाया था। तो हाँ बस यही था, आप भी जानते हो कि क्यूआर कोड आप खुद का जनरेट कैसे कर सकते हो, तो जाओ ट्राई करके देखो। कुछ प्रॉब्लम आएगा तो स्क्रीन पे आपको इंस्टा यूजर नेम मेरा शो हो रहा होगा, अगर मैसेज कर देना।